बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी ब्लॉग पे थी मैं नूरी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने जो मान में रखे। गर्मी जो है इसके ज़ोर बहुत सारा है और हमारी घर में से शिफाफी जो है वो हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारा घर जो है भयभय कर रहा है। तो ये हमारे भांजे की एक छोटे से झूले ने हमारा इस्तकबाल किया। आजकल बोया हुआ है, किसी दिन मैं आपको दिखाती हूँ उसे भी। रिव्यू लाउंज जो आप देख सकते हैं सारा ही खाली है। रूम्स के दरवाजे बंद हैं, मीन्स के सारे लोग जो हैं सो रहे हैं। तो चलिए फिर हम पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। तो पानी पीने के लिए हमें जाना होगा फ्रिज की तरफ और इसमें हम देखेंगे कि पानी के अलावा हमारे लिए क्या है। अगर कुछ होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो हमें खुद ही इसके लिए करनी पड़ेगी मशक्क़त। तो ये लें जी पानी, तो हमें ठंडा ठंड मिल गया। और ये दो पिज़्ज़ा पॉट जो हैं हमारे लिए रख ली गई थी वैसे ही। तो हमने सोच लिया है कि इसका क्या बनाना है, तो आइए फिर इसको बनाते हैं। सबसे पहले लेना है पैन, उसके अंदर डाल दें एक टीस्पून के करीब जो आपने लहसुन का। किसी को भी हमने डिस्टर्ब नहीं किया कि हमारी वजह से कोई जो है डिस्टर्ब हो। इसके बाद जब ये थोड़ा पिंक हो जाए तो इसके अंदर आपने डाल देना है हसबे मनशा चिकन। मेरे पास 250 ग्राम मुझे नज़र आया तो मैंने वही डाल दिया। दो चम्मच जो हसबे डाल दिए टीस्पून सिरके के। इसके साथ साथ इसके अंदर जो था मैंने ऐड किया था सोया सॉस। थोड़ी देर इसकी भुनाई करने के बाद वो था 1 टीस्पून। हसबे मनशा थी इसके अंदर काली मिर्च, इतना ही था नमक। और इसको थोड़ी देर भुनाई करने के बाद ढक दिया था। और ये जब हो गया था तैयार तो हमने उठा लिया था अपनी पुप्पो को, यहाँ के हमारे साथ हेल्प करवाएं। इतना हमने कर दिया, बाकी वो करें। तो पुप्पो जो हैं हमारी आ गई हैं। उन्होंने सबसे पहले पिज़्ज़ा ब्रेड के ऊपर लगा दिया केचप। आपके पास अगर जो पिज़्ज़ा सॉस है वो लगा दें। तो मैंने बना लिया है आपके लिए इंस्टेंट पिज़्ज़ा। तो यह मैंने पुप्पो को काट दिया था सारा का सारा जो मटेरियल। तो उन्होंने इसके ऊपर जो है वन बाय वन लगाया सबसे पहली चीज़। उसके बाद वो जो चिकन था मैंने प्रिपेयर किया था वो ओरिगैनो उन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर छिड़क दिया। इसके साथ साथ उन्होंने इसके ऊपर लगा दी जितनी सब्जियां मुझे नज़र आई थी मैंने काट ली थी। इसके अंदर टमाटर थे, इसके अलावा मुझे नज़र आ गई थी शिमला मिर्च और साथ ही इसके प्याज थे। और इसके साथ मुझे नज़र आए थे ग्रीन ऑलिव्स फ्रिज में, वो भी अभी इसके ऊपर डाल देते हैं। तो हसबे मनशा आपने सारी सब्जियां डाल देनी है। हसबे मनशा ही मैंने इसके ऊपर डाल दिया है ग्रीन ऑलिव्स के टुकड़ों को। उसके बाद चीज़ जो था वो मोज़रेला था और पिज़्ज़ा दोनों थे तो वो इसके ऊपर डाला था। और इन पे जो कुटी सुर्ख मिर्च थी वो इसके ऊपर डाल के, तो उसके बाद दोबारा से एक तवा जो था वो लिया था या हॉट प्लेट ली, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल फैलाएं और लाइट आंच के ऊपर आपने ये क्या करना है, ये जो आपने इंस्टेंट पिज़्ज़ा का मटेरियल बनाया था पिज़्ज़ा ब्रेड पर, तो उसको ढक देना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का यमी जो है इंस्टेंट पिज़्ज़ा तैयार है। लेकिन ये हमारे लिए नहीं था क्योंकि भाई जो थे वो तशरीफ ला चुके थे। तो हमने शुक्र है दो थी दोनों ही बना ली, नहीं तो सारे का सारा भाई की नज़र जो है ये हो जाना था। क्योंकि वो हमारी रेसिपीज़ जो है कहते हैं कि अच्छी होती हैं। तो भूख तो हमें लगी थी लेकिन मिठा ली थोड़ी सी भाई ने भी। तो ये देखें जिन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वाओ बहुत ही यमी से इंस्टेंट पिज़्ज़ा की जो बाइट जो है वो ली है और उन्हें बहुत ही पसंद आया। उनके थम्स अप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप भी बना लें पहली फुर्सत में ये मज़े का फ्रिज के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनसे इंस्टेंट पिज़्ज़ा। और अपना रखें बहुत सा ख्याल, मेरी वीडियोज़ को देखते रहें, सब्सक्राइब भी कर दें तो आपका बहुत सा शुक्रिया होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे पर इसी ऐसे मज़े की रेसिपी या ब्लॉग के साथ। तो अपना रखें बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।